नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर फॉर एचटेट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर किस तरह का पेपर आपके लिए आ सकता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किए हैं, और जो संभावित है कि भाई इसी तरह का जो फाइनल एग्ज़ाम हमारा होगा एचटेट का, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट इंटोनेशन। इंटोनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन है क्या, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंटोनेशन इज ए फॉर्म ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टोन्स। सो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट हमारा सेंटेंस दिया गया है, ही हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। यानी जहाँ पे स्ट्रेस बनेगा उस स्ट्रेस के अनुसार ही हमारी इंटोनेशन तैयार होती है। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, ही हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। तो यहाँ पे पहले जो टोन है वो फॉलिंग हो रही है और फिर राइजिंग, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका, फॉलिंग एंड राइजिंग। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज रूट लर्निंग। रूट लर्निंग क्या है, ऑप्शन सेकंड रहेगा इसका आंसर, मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। यानी बिना किसी चीज़ को पूर्णतः से पढ़े हुए ही जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं मशीनी तरीके से, तो उसको बोलते हैं रूट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड बाय। टू टाइप्स के क्लासरूम होते हैं, एक चाइल्ड सेंटर्ड होता है और एक टीचर सेंटर्ड होता है। तो इसमें इन्होंने पूछा है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, तो इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड, वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। भाई इफेक्टिव लर्निंग है जो, वो कब होती है। ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा इसका इंटरेक्टिव, जब अंतःक्रिया होगी स्टूडेंट और टीचर के बीच में तभी इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू। रेमेडियल टीचिंग है जो, वो किस चीज़ के लिए प्रयोग की गई है। इसका ऑप्शन सेकंड रहेगा, आफ्टर द रेगुलर स्कूल हावर्स। वे रेगुलर स्कूल हावर्स के टाइम के बाद जब बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं ग्रामर के। तो ग्रामर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द एरर इन द सेंटेंस। माय कजन ब्रदर्स ऑप्शन ए है, सेकंड है आर कमिंग ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है टुनाइट, और ऑप्शन फोर्थ है नो एरर। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में ही एरर रहेगी, माय कजन ब्रदर्स। तो यहां पे ब्रदर्स की जरूरत नहीं है, जब कजन आ गया तो ब्रदर्स का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कजन का मतलब भी चचेरे भाई होते हैं। नेक्स्ट है, मानसी एंड माई सेल्फ वेंट टू पटना, नो एरर। इसके अंदर बी ऑप्शन में रहेगा माई सेल्फ। माई सेल्फ इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी डोंट यूज एज ए सब्जेक्ट, सो वी यूज्ड हियर आई, मानसी एंड आई वेंट टू पटना। नेक्स्ट थर्ड है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेट हिम फिलिंग द ब्लैंक्स होम। तो इसके अंदर ऑप्शन थर्ड रहेगा गो, लेट हिम गो। ये रूल है, लेट के बाद एक शब्द छोड़कर अगर खाली स्थान मिलता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, देयर इज अ फ्रेंडशिप डैश राम मोहन एंड सोहन। इसके अंदर ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड अमंग। अगर हम दो के मध्य तुलना कर रहे हैं तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ही लिव्स खालिस्तान लंदन खालिस्तान इंग्लैंड। तो यहां पे ऑप्शन आपका रहेगा थर्ड ऑप्शन, एट और इन, क्योंकि बड़ी जगह के लिए प्रयोग होता है इनका और छोटी जगह के लिए प्रयोग करते हैं एट का। लंदन छोटी जगह नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के मुकाबले ये छोटा पड़ता है, इसलिए लंदन से पहले एट और इंग्लैंड से पहले इन का प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा प्रीपोजिशन में है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल, सिक्स्थ पॉइंट है। इसके अंदर
Khalistan English is Khalistan subject of Khalistan English. तो first है जो language है, तो यहाँ पे किसी भी article का प्रयोग नहीं होगा. Second आता है subject, सर की आवाज आ रही है तो यहाँ पे a article का प्रयोग होगा. और next में जो English दिया है ये uncountable nationality को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे. तो option second रहेगा, first में zero article, second में a article और third में the article. नेक्स्ट है एंटोनियम्स. कॉनकेव का एंटोनियम बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन थर्ड रहेगा कॉनवेक्स. नेक्स्ट है सिनोनियम. लैमेंट, लैमेंट होता है दुख व्यक्त करना, तो इसका आपको सिनोनियम बताना है. ग्रेव, रिग्रेट, बेमोन, बेमोन, ऑल ऑफ द अबो, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबो, सभी लैमेंट के सिनोनियम है. नेक्स्ट है जिम सेड, नरेशन है. जिम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन सैली कॉमा आई हैव फिनिश्ड द जॉब, तो इसके अंदर सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है. सैड टू टोल्ड में चेंज होगा और हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे. और जो हमारा आई है वो किस में चेंज होगा, देखिए जिम सैड टू के स्थान पे आ गया टोल्ड, सैली बाहर आ जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए दैट. आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिम पुरुष है तो यहां पे हम ही का प्रयोग कर देंगे, ही हैड फिनिश्ड द जॉब, ऑप्शन फोर्थ रहेगा. एंड लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, इसमें ही टीचेज अस ग्रामर. इसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस दिया गया है, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें वाज का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें वाज का प्रयोग नहीं होगा, इजमर का प्रयोग होगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है. तो यहां पे हम ऑप्शन सेकंड रहेंगे, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका. इस तरह का पेपर आपके एसटेट में आने की संभावना है. अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.